हाँ बन गया क्या, बना लिए क्या? अच्छा हम देख लेते हैं अभी, रुकिए। अरे दिक्कत हो, परवीन को दिक्कत हो रहा है, मुक्ति आगे आ जाइए। तो सर निवास ले, तीन तक कितना कंजेस्टेड कहाँ बैठा हुआ है, डेढ़ तीन घंटा बैठना है अभी। हाँ यहाँ जी सर, यहाँ यस पीछे ऐसे ऐसे, अब ठीक है। चले यहाँ देखिए, अब ऋतिक आएंगे खड़े रहेंगे, मजाक का है ऋतिक। देखिए सब शांत हो जाइए, सुनते रहिए। 47 नंबर, कल प्रूफ किए थे एंगल बायसेक्टर जो बाहर लपताए थे, के बोले हाँ सार्थक, इतने धरेंगे अभी हम। चलिए बताइए ये वाला, इसमें क्या दिया गया है, दिए गए चित्र में सुनिएगा ध्यान से, यहां देखिए सबका मुंडी ऊपर, ठीक है कॉपी हाथ फिर दीजिए। दिए गए चित्र में भुजा QS, भुजा कौन सा है ये, QS QS दिया हुआ है, QS बाह्य कोण समद्विभाजक है। ये जो QS है ना वो क्या है मेरा, बाह्य कोण समद्विभाजक है। तो सर बाहर में जो कोण बन रहा होगा उसका क्या है मेरा, ये समद्विभाजक है। अब कोण कैसे बन रहा होगा वो आप लोगों को दिमाग लगाना है। यदि PQ is equal to RS है, ये PQ is equal to RS है, तो फाइंड अल्फा। सर ये अल्फा बताएं क्या ची, 36। चलिए एक एक का आंसर आया 36। कैसे, ठीक सूरज वेरी गुड, ये वाला ठीक है। अब क्या करें, ना ना वेरी गुड, तीनों सही, वहां तीन अल्फा नहीं होगा सार्थक, चार अल्फा होगा, दो अल्फा दो अल्फा, ये नहीं बोले, दोबारा बोले यही बोले, ठीक है। हाँ ये तो नहीं बोले अभी आप, ठीक है बात बाकी हिसाब समझ गए, बगड़ा ओखड़ा मैक्स ब्रेक गए ले ले। चल अल्फा अल्फा प्लस थ्री अल्फा, सर यहां समझिएगा मेरा बात, अगर ये ट्रायंगल को देखा जाए पी क्यू आर, ठीक है पी क्यू आर, ठीक है तो सर पी क्यू आर को सर 8:15 में आप लोग का स्टार्ट कर दे रहे हैं हम, 8 बजे के अंदर सब लोग घुस जाइएगा, बता देते हैं 8 बजे के अंदर सब लोग घुस जाइएगा, तो बोड़वा में सबका लड़की लोग छोड़ करके 4 लाठी मारेंगे, लड़की लोग को 10 लाठी मारेंगे। देखिए आप पी क्यू आर, सर पी क्यू आर ट्राइंगल को अगर देखा जाए तो सर पी क्यू आर ट्राइंगल का ये क्या है मेरा, एक्सटीरियर एंगल है यार, आइए वाला दिख रहा है ना सर, ये जा रहा है तो ये वाला मेरा क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल होगा ये वाला, इसका मतलब एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होगा, बाकी दोनों इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा, ठीक है। तो सर ये वाला पूरा का पूरा मेरा होगा 4 अल्फा, क्या होगा मेरा 4 अल्फा। सर अगर ये 4 अल्फा होगा इसका मतलब ये वाला होगा 2 अल्फा और ये वाला होगा 2 अल्फा, क्योंकि जो QS है वो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है। यहां तक क्लियर है सबको, ठीक है सर अब समझिएगा। यहां पर
अब देखना है यहां दिमाग लगाना होगा, इसको देखिए और ये सब नॉर्मल पता है किसने पूछा गया, ये वाला CHSL में 12th लेवल का औकात है, अब ये पूछा जाएगा ये MTS में और GD में, तो औकात है सबका क्वेश्चन है। अब देखिए इसको, अब ये ट्रायंगल देखिए सर, PQS PQS देखिए, और यहां पर आपका है क्या 2α है ना, और ये वाला आपका क्या अल्फा है सर, इसका ये जो भाग रहा है इधर ये वाला सर, ये वाला तो एक्सटीरियर एंगल है ना, एक्सटीरियर भाग रहा है, तो ये वाला मेरा क्या एक्सटीरियर एंगल है, अगर ये एक्सटीरियर एंगल है इसका मतलब बाकी दोनों एंगल के सम के बराबर है ये, अगर ये अल्फा है तो ये क्या होगा, तभी तो ये 2α होगा ना, तो सर ये भी मेरा क्या होगा अल्फा, पता चला ये वाला छोटला समझ में आया, इसका मतलब रिपीट कर रहे कोई नहीं बोलिएगा, बता देते हम धीरे धीरे बता रहे हैं बच्चा के ऐसा, पूरा खत्म करेंगे बोलेंगे रिपीट, इसका मतलब सर समझिएगा, अगर ये एंगल और ये एंगल समान है इसका मतलब सामने वाला साइड भी समान है, ये समझ में आ रहा है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी समान है इसका मतलब ये वाला साइड और ये वाला साइड भी समान है, तो ये वाला लिख रहे हैं हम लोग अल्फा, इसके वाला साइड भी समान है, जिसके सामने एंगल एंगल अगर सेम रहता है तो उसके सामने वाला साइड भी क्या होता है सेम रहता है, ठीक है सर। अब समझिएगा यहां पर क्या पता था कि PQ is equal to RS है, ये दिया हुआ था है ना, जब PQ is equal to RS है, PQ is equal to RS है, और अभी पता चला कि PQ is equal to QS भी है ना सर, ये क्या पता चला कि सर PQ is equal to RS है, और अभी पता चला कि PQ is equal to QS भी है, ये पता चला ना, ठीक है, इसका मतलब PQ कॉमन रख दिया जाए तो RS बराबर QS है, मतलब सर RS बराबर QS है, मतलब ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या है बराबर है, इसका मतलब इसके सामने वाला एंगल भी क्या होगा बराबर होगा, इसके सामने वाला एंगल 2α है तो इसके सामने वाला एंगल भी मेरा क्या होगा 2α होगा, है ना, यहां तक क्लियर हुआ सबको, ठीक है। अब क्या है याद रखिए, ये आपका है स्ट्रेट लाइन, ये है ना स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब ये पूरा कितना डिग्री का होगा, ये पूरा 180, इसका मतलब सर 5α is equal to 180 degree, इसका मतलब α is equal to 36 degree, समझ में आया, किसी को दिक्कत इसमें, हाँ मिथिलेश याद है मुक्ति आप कहा जाएगा, अरे ऐसा किएगा वहां पर चालू जगह होगा, बेंच वाला दूर कर दीजिए ना, हल्का बेंच को दूर कर दीजिए ना, खींच दीजिए ना इसको, हाँ आइए वाग हो जाइए, जगह बनाई नहीं यहाँ पर।
था कितना लेट। गुड ब्लैक चरवाक, इसकी वजह से गार्जियन है पढ़ने में रोक देते। पी के बगल में यहाँ पर आर, चले याद आइए, हो गया सबका ये वाला। क्या बोल रहे हैं उनका, आस्था ये क्वेश्चन हुआ है, ठीक है। देखे था भैया, दूर कर दिए रहा आपको। दोस्त का संगत ज्यादा नहीं होना चाहिए, आज पता चल गया रहा। तो हमें आपको जानते क्या बोलना चाहिए था, कि तुमको बैंक से प्यार है कि मेरे से। जानते सालू, आपको बहुत पॉलिटिक्स करके हटाया गया है। राखी वहां पर बोल रहे थे कि सालू को वहां बैठाएंगे, तो नहीं आज उसको उधर बैठाएंगे। अच्छा बैठाने से याद आया, रूबी ने है ना, रूबी और शिल्पा, नेहा तो आएंगे छठ के बाद, क्योंकि मम्मी का लीवर प्रॉब्लम हो गया है। ठीक हो गई मम्मी उनके। वाह आस्था, क्या सवाल पूछा गया आपके द्वारा, प्राउड ऑफ यू। आस्था का सवाल है कि ये क्वेश्चन है कि प्रॉपर्टी, दिस इज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर प्रॉपर्टी। यस, नहीं नहीं क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर लिखे भी है, ये जसल वाला। फाइंड अल्फा, चल गए उसमें, हाँ अल्फा बीटा गामा कौन से, चले ये वाला क्वेश्चन हो गया, अगला क्वेश्चन करते हैं जल्दी। लेट कर बतिया मिथलेश मिथलेश करके। अच्छा हमारे क्लास में किसी एक शख्स का क्या बोलते हैं लगन उठने वाला है, ठीक है। हमार नहीं उठेगा, हमार क्लास, हमारा क्लास में किसी एक का लगन उठने वाला है, ठीक है। जल्दी ही आप लोगों को छह का पार्टी मिलेगा क्या। चलिए देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन नंबर 48, सब लोग 48 नंबर देखिए। अब चित्र में यदि दिया गया है AD इज इक्वल टू AE, सब यहां देखिए, यहां पर कोई बनाइए मत, सब यहां सुनिए। एक प्यारा सा चित्र दिया हुआ है, आप लोग के एक बाबा आते हैं, ठीक है। ये जितना भी क्वेश्चन है ना, ये सब जितना भी क्वेश्चन है, आप एक भी क्वेश्चन को रट करके नहीं बना सकते, ये पूरा का पूरा जो एंगल वाला क्वेश्चन होता है ना, इसी बात है, जितना पैटर्न हम किए हुए हैं, ठीक है। तो एंगल वाला जितना भी क्वेश्चन होता है ना, ट्राइंगल में खास करके, वो ज्यादातर लोग सम 180 पे बनाता है ये लोग, ठीक है, और एक्सटीरियर एंगल पे बनाता है, और बनाता है आप लोग का एक्सटीरियर एंगल पे बनाता है, ठीक है, ज्यादातर। इसीलिए हर बार क्या देख रहे थे ना, एक्सटीरियर एंगल कॉमन माना गया है। इतना सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना कि ज्योमेट्री सबसे इजी लगेगा। एक बात याद रखिएगा, एडवांस सबसे इजी है, उसके लिए जो रेगुलर है। अजय बोले ना कि सर अजीब लग रहा था, लेकिन फिर भी आगे कहा कि एडवांस पागल कर देगा, और एडवांस अगर 2 दिन भी छूट गया ना तो पागल कर देगा अगला दिन।
समझे, अगले दिन पागल कर देगा आप लोग को, इसीलिए इस पर ध्यान दीजिएगा, वरना एडवांस आप लोग सही में दिमाग खराब करने वाला चैप्टर है ये वाला, ठीक है। और एडवांस जो रेगुलर है ना उसके लिए बड़ा इजी है, क्योंकि ये जो है ना ये लंबा नहीं आता है, ठीक है, ये लंबा नहीं आता है। एलजेब्रा इतना सिंपल है कि समझ में आ जाएगा तुरंत। फिर आपका ट्रिग्नोमेट्री नम्बे सुन के डर लगता होगा, ट्रिग्नोमेट्री पर डरावना है नहीं, ये साली नाम इसका डरावना है, समझे। इतना इजी लगेगा ना पढ़ने में। अभी तक एडवांस पढ़े कितना क्वेश्चन होने जा रहा है, 50 क्वेश्चन होने जा रहा है, इतना सारा प्रॉपर्टी करवा दिए, समझ में आ रहा है जो रेगुलर है सो। तब केवल सुनते चलिएगा, याद दीजिए, ध्यान दीजिए। चित्र में यदि AD इज इक्वल टू AE है, एक प्यारा सा चित्र बनाया गया है आप लोग के सामने, आई एम वेरी बेस्ट ड्रॉइंगर, एक आदमी रखेंगे ड्राइंग करने के लिए क्या? हाँ चले, याद है कि अब यह है आपका फिगर दिया हुआ है ABC, कहाँ? हाँ ABC, यह है आपका A, यह है आपका B, यह है आपका C, और यह है आपका D, और यह है E, और यहां पर दिया गया है एंगल थीटा, और यहां पर दिया गया है आपका 40, और कौन सा बराबर साइड है? ये वाला और ये वाला बराबर साइड है, और क्या बोला गया है? सी बाइसेक्टर है ए सी बी का ना, सी डी जो है सो बाइसेक्टर है किसका? ए सी बी का। क्या बोला है देखिए सर, ये जो सी डी है ना, सी डी वो बाइसेक्टर है किसका? ए सी और बी का, यही बोला गया ना। ये फिगर को देख करके आपका दिमाग कहां कहां तक काम करेगा। चलिए यहां देखिए, देख बार इसको यहां पर अल्फा मान सकते हैं, और ये 40 डिग्री है, ठीक है, और इसको भी अल्फा मान सकते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? तो सबको अल्फा अल्फा मान लीजिएगा क्या? अल्फा माइनस 40 डिग्री, क्यों बड़ा है? बाकी लोगों का दिमाग काम नहीं कर रहा है इसके अंदर क्या? यहां पर क्या हो जाएगा? कहा माने अल्फा? इसको मिटा दे क्या? चलिए इसको मिटा देते हैं, ये अल्फा तो, ये भी अल्फा, ठीक। ये क्या माने सूरज? क्या अजय, अब हम गलत नहीं बोल रहे थे? अजय अजय गलत नहीं बोल रहे थे हम? सूरज आगे, डी के पास क्या अल्फा प्लस? आप कहां पर? बी के पास। यहाँ 40 क्यों सूरज? यहाँ यहाँ पर मतलब 40, यहाँ पर क्या होगा? 140। कुछ लोग हो गए, हे भगवान ये कहाँ हो गया? क्या लिख दी है जुबा चीज भाई, इधर अल्फा देख, खाली 40 देखे थे, इन लोग को आ गया, हम कौन धरती से आए हुए जो हम लोग को नहीं आया। शामिल बुझाया गया? शाबाश। सूरज वेरी गुड,
चलिए यहां पर आइए, यहां देखिए सब लोग। अब चलिए यहां पर देखिए, सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो बाकी दोनों सामने वाले, वही नहीं, सामने वाले इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है, ये है। और एंगल बाइसेक्टर किसी भी एक एंगल को दो भाग, दो बराबर भाग में डिवाइड करता है। अभी यही तीन चार को तो प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन करवा रहे हैं हम खाली, है ना सर। कहीं से तो शुरुआत करते हैं, आप यहां से भी कर सकते हैं, हम यहां से भी करके ट्राई करेंगे, ठीक है। चलिए यहां देखिए सर, इसको अल्फा मानते हैं सर। अगर इसको अल्फा माने तो ये एंगल बाइसेक्टर है, ये बगल वाला भी क्या होगा मेरा, अल्फा होगा ना, ये पता चल रहा है। क्योंकि सर ये जो सी डी है वो ए सी बी का एंगल बाइसेक्टर है, ये पता चल रहा है सबको। सर अगर ये अल्फा है ये 40 है, ये अल्फा है ये 40 है, तो सर इसका एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, ये वाला है। सी डी बाहर भाग रहा है, सी डी मतलब ये वाला होगा ना, ये वाला, ये वाला होगा, ये क्या होगा, अल्फा प्लस 40 होगा ना सर। ये वाला होगा आपका अल्फा प्लस 40, और अगर ये साइड बराबर है तो ये साइड के सामने वाला एंगल अल्फा प्लस 40, तो ये साइड के सामने वाला एंगल भी अल्फा प्लस 40, दिख रहा है हर्ष। अब सब भूल करके यहां देखिए, बी डी सी सर एक्सटीरियर एंगल है ये वाला, बाहर भाग रहा है ये वाला, सर ये है एक्सटीरियर एंगल, मतलब ये जो ये किसके बराबर होगा, बाकी दोनों इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा। सर अगर ये अल्फा है तो ये 40 होगा, तभी तो मिल करके अल्फा प्लस 40 हुआ एक्सटीरियर एंगल, इसका मतलब ये क्या होगा मेरा 40। लाइन पूरा 180 होता है, ये 40 है तो ये कितना होगा मेरा 140। बुझाया, अल्फा प्लस 40 क्यों लिए, कर ले सकते हैं हाँ, आप उस समय माइनस का प्रयोग किए थे, आप 40 हाँ, कोई बात नहीं, आपको तांबिया माफ कर दिए है ना दाम में। रिवर्स मतलब जरूरी है कि एकदम बात ही करना है, बात थोड़ा लिख लीजिए। ये देखते हैं ये सामने सामने वाला रो और ये सामने वाला रो, फर्स्ट बैच सेकंड बैच थर्ड बैच जल्दी बात करता है, तो जरूरी जवाब देना। बचपन जैसा हर समय मत किया कीजिए कि ये कर रहा था वो कर रहा था ये कर रहा दोनों। मैं आया मानता पूछ रहे हैं, देखा सर मैं ये बोला अंकित बुझाया, मिथिलेश बुझाया ला गिरा है हाँ। कल का वीडियो अपलोड हो चुका था, कल बात ये था कि मेरा फाइबर ही काम नहीं कर रहा था, तो हम सोचे ऐसे अपलोड करने के लिए साला अपलोड ही ना हो रहा है, तो रात में लेट से अपलोड हुआ हाँ, लेकिन अपलोड हुआ।
घर जा करके रिवाइज करते रहिए, करते रहिएगा। चलिए सब लोग समझिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। किसी ट्रायंगल एबीसी में बी ए और सर ये देखिए अब कर्ल का प्रॉपर्टी आ गया है, ठीक है, कर्ल का प्रॉपर्टी आ गया। किसी ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल कोई ट्रायंगल है आपका ए बी और सी, कोई ट्रायंगल है आपका ए बी और सी, ठीक है, सुनिए क्या लिखा हुआ है। बी और सी के सम विभाजक, मतलब सर ये बी का भी सम विभाजक और ये सी का भी सम विभाजक, ठीक है। क्या बोला गया, अंदर त्रिभुज के अंदर बिंदु ओ पर मिलते हैं। सर ये वाला जब आगे बढ़ाया गया और ये वाला जब आगे बढ़ाया गया, ठीक है, तो कहां मिला आपका, सर ओ पर मिला, समद्विभाजक, ठीक है। पूछा क्या गया, देखिए आप, अगर बी ओ सी दिया गया है, दिया गया फिगर होगा ना, ओ ऑप्शन है, ठीक है, ठीक, अगर बी ओ सी दिया गया है तो निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। चलिए यहां देखिए, बी ओ सी ये प्रॉपर्टी बताए थे आप लोग को, मतलब बी ओ सी दिया गया है, ठीक है, तो एंगल बी ओ सी सब साथ रहेगा, ठीक है। चलिए कल से पूछे सालू, हाँ एंगल बी ओ सी व्हाट, नब्बे डिग्री प्लस ए बाय टू, ए बाय टू की ए बाय फोर, प्लस की माइनस, माइनस क्या है, नहीं माइनस क्या है, नहीं माइनस नीचे में होता है इसीलिए नहीं, क्या बात, देखिए क्या होगा ये वाला रमेश, एंगल बी ओ सी क्या 90 डिग्री प्लस एंगल ए, आगे साबल एंगल ए 90 डिग्री प्लस एंगल ए, और कल हे बताए थे ओ विमल 90 डिग्री प्लस एंगल ए बाय, अरे टू 90 डिग्री माइनस एंगल ए बाय प्लस, ठीक याद है कि अब सर यहां पर दो एलसीएम आएगा तो यहां पर हो जाएगा 180 डिग्री प्लस एंगल ए और ये हो जाएगा बी ओ सी, ये टू जाएगा इधर, ठीक है। ऑप्शन वाइज कौन सा मैच कर रहा है, अच्छा ऐसा किया गया है, हाँ ठीक है ठीक, यहाँ देखिए यार पहले ही माइनस उधर ले गया, इसको ले जाइए इधर, क्या हो जाएगा एंगल बी ओ सी माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू एंगल ए बाय टू, टू को इधर ले जाया गया, एंगल बी ओ सी माइनस 90 डिग्री एंगल ए, बस खत्म। सॉरी मैं आई बोला, आस्था समझ में आया, शाबाश। हुसैन समझ में आया, पिंटो नवीन कहा बुझाया, यहां पर भी जियो फाइबर लगा देंगे यार, यही वीडियो अपलोड कर देंगे ना कम से कम। मगर मलिकवा के पास है जियो फाइबर लेकिन सर मांगते नहीं है।
हम तो पूरा वेस्ट करेंगे। वेस्ट क्या ऐसा काम में आएगा जियो फाइबर? सूरज घर में कितना घंटा पढ़ रहे हैं अभी? लग तो रहा है शुरुआत का चेहरा रवि का चेहरा में बहुत फर्क है। चार ये चार दिन से देख रहे हैं आप। अरे बात आ जाए को भी हम चार दिन पहले ही बोले थे। बस खाली मेंटेन रखिएगा इसको, समझे? चलिए याद है कि अब क्या दिया हुआ है। यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 74 डिग्री का है, अन्य दो आंतरिक कोण के समद्विभाजक के बीच का कोण क्या है? अन्य दो मतलब क्या दिया हुआ है समझिए। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे पहले समझिए। किसी त्रिभुज, कोई त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है? क्या दिया हुआ है मेरा? कोई त्रिभुज है। कोई त्रिभुज का एक कोई भी एक कोण क्या है मेरा? 74 डिग्री का है। कोई भी एक कोण दिया हुआ है मेरा 74 डिग्री का है। मान लेते हैं ये वाला, कल मानेंगे बार बार एक रे, ये कितना का है? 74 डिग्री का है। फिर बोला गया है अन्य दो कोनों के एंगल बाइसेक्टर, अन्य दो कोनों के एंगल बाइसेक्टर। अन्य दो कोण कौन कौन सा है? ये है और एक ये। सारे अन्य दो कोण का एंगल बाइसेक्टर ये वाला और ये वाला। सारे अन्य दो कोण का एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, कुछ भी जहां पर मिलते हैं उसका क्या निकालने के लिए बोला है? एंगल। बताइए वो एंगल क्या होगा? वही निकालने के लिए बोला गया है ना, ठीक है? मतलब सर एंगल बाइसेक्टर उसके सामने वाला क्या होगा? 90 डिग्री प्लस एंगल ये वाला बाय टू, 37 × 37 होगा ना ये वाला, 74 बाय 2 37 डिग्री, मतलब 127 डिग्री आंसर। ये वाला क्या होगा? ये एंगल एक्स क्या होगा? अच्छा से ये वाला क्या होगा? एक्स जोड़ घटाव भी नहीं आ रहा है क्या? जब पता है कि 90 माइनस करेंगे ये वाला तो कीजिए। नब्बे माइनस करेंगे वो वाला है ना, पर माइनस क्या हो रहा है वो नहीं पता है, वो वाला निकालते हैं। मोहास कुछ हो है कॉलिंग के कैसे आए? कब बोल दिए हो? क्या हमने ये बोला था? उला चरघरवा कहाँ है? कोलेटर ही ना, ये वाला नहीं बोल रहे बच्चा, ये वाला हम बोल रहे हैं, ये वाला, ये वाला हम ये एक्स वाला पूछ रहे हैं। हाँ हम कहाँ बोले, हम इसमें बोले हैं कि ये और ये 180 होगा सो। एक दो बार हम बोले नहीं ना, लेकिन ये 180 होगा। सब लोग तो वही बोल रहे। ये समझ में आया? ये एक्स कैसे होगा सो नीतीश? ये कितना होगा एक्स कैसे कितना होगा कैसे बताइए, एक्सप्लेन कीजिए अच्छा से। 90 डिग्री
माइनस ये वाला, ठीक। चलिए यहां समझिएगा जरा, अपने से बता रहे हैं। आस्था के द्वारा बोला गया क्वेश्चन सही है। सर ये अगर x डिग्री को माना गया है और ये y डिग्री माना गया है, ठीक है, ये x ये x डिग्री माना गया है, ये y डिग्री माना गया है, तो सर x डिग्री और y डिग्री का सम क्या होगा? कितना होगा? क्यों? एक मिनट, सबसे पहले आवाज निकला है राखी का। आप बोलेंगे राखी भैया, मैं ऐसा नहीं कि अभी देखते रहिए, बोलिए। ऐसा थोड़ी ना, वो तो हम साइक्लिक कोलेटर में बोले थे। बताओ, जैसे कि फर्स्ट वाला अभी जो क्वेश्चन आप बताए उसमें, अभी जो क्वेश्चन बताया आप लोग, तो इधर वाला निकला हमारा ये, हम लोग का 127 निकला, सॉरी 1000 निकला 53, वो काम नहीं करेगा सार्थक। वही तो 90 डिग्री को तो मान ये, सॉरी 180 डिग्री को माने, अगर हम माने कहा, हम बोले क्यों माने, सो पूछ रहे हैं क्यों होगा। और कोई? सूरज? ना वो नहीं। अच्छा ये वाला देखिए आप, ये वाला आप लोग अभी निकाले थे, यस लास्ट तक ठीक बोला था। और कोई अजय? अच्छा ये वाला का फॉर्मूला क्या था? 90 डिग्री और इसका क्या था? 90 डिग्री माइनस एंगल ए बाय, दोनों का सम करेंगे तो क्या आ रहा है? आ रहा है 180। लास्ट तक सही हुआ था, लास्ट में नंबर आ गया था, है ना। तब सर इसका और इसका सम क्या दिया हुआ रहेगा मेरा? 180। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा गया है, है ना, आस्था याद दिला दिए, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है ना, ये सारा का सारा क्वेश्चन आप लोग का ऐसा दे देगा ये वाला। समझिएगा, खाली ऐसे ही बोलेगा, ये सब देगा नहीं आप लोग को, ठीक है, लैंग्वेज ज्यादा है, सुनिए। बोलेगा किसी ट्राइंगल में इंटरनल एंगल बाय, किसी ट्राइंगल में इंटीरियर एंगल बायसेक्टर। अच्छा जब हम ये बोल रहे हैं किसी ट्राइंगल में, तो ये समझ में आ रहा है ना, दिमाग में एक ट्राइंगल छप रहा है, उसका इंटरनल एंगल बायसेक्टर दिमाग में वो आ रहा है कि कोई भी दो को ट्राइंगल होगा उसका इंटरनल एंगल बायसेक्टर है ना, किसी वर्टेक्स से, ठीक है, उसी वर्टेक्स का, उसी वर्टेक्स का एक्सटीरियर एंगल बायसेक्टर, वो ये दिमाग में आ रहा है। सर किसी भी दो वर्टेक्स मतलब क्या होता है? कोना। किसी दो वर्टेक्स का इंटीरियर एंगल बायसेक्टर और वही दो वर्टेक्स का एक्सटीरियर एंगल बायसेक्टर, दिमाग में आया ये वाला। अगर इंटीरियर एंगल बायसेक्टर आपका 40 दिया हुआ है तो एक्सटीरियर एंगल बायसेक्टर क्या हो, कितना होगा? अजय खड़ा होइए, जो हम बोले सो बताइए क्या बोले, खड़ा रहिए। किसी ट्राइंगल का इंटीरियर एंगल बायसेक्टर मतलब कोई ट्राइंगल आपके सामने, एक ट्राइंगल बनाया गया है, उसका इंटीरियर एंगल बायसेक्टर मतलब इधर वाला और इधर वाला, और उसी वर्टेक्स पर एक्सटीरियर एंगल बायसेक्टर है ना, मतलब ये है आपका इंटीरियर एंगल बायसेक्टर और ये है आपका एक्सटीरियर एंगल बायसेक्टर है।
इसका मतलब अगर बोला गया है कि इंटीरियर एंगल ऑफ बाइसेक्टर दे दिया है आपका 40, तो ये कितना होगा? होगा ताकि दोनों का सम कितना आ रहा है मेरा, ठीक है? यह पूछ रहे थे, पता नहीं कौन दुनिया में खोवा ले, वापस याद करने लगेगी अगर याद रखिए सर बुझाया वो उस टाइम बताया कि पापा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का ये तरीफ होता है, प्रॉपर्टी होता है कि दो अपोजिट साइड्स के एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो अगर ये दोनों 180 डिग्री है तो अगर आप ऐसा कर सकते हैं, इस तरह मान सकते हैं आप, देखिए ये वाला है ना। चलिए रोहित, ये क्या बनाए हम ये क्या बताएं और इसकी अभी क्या हम एक्सप्लेन किए, अभी थोड़ा सा हम क्या बताएं, थोड़ा सा बताइए, है ना? ये क्या शख्स था जो ये बताए हम? एक बड़ा अच्छा आदमी के द्वारा एक क्वेश्चन पूछा गया था सामंत और यश के द्वारा, है ना, बट आपके द्वारा बात किया जा रहा था, जरा बताइए कि ये क्या है। एक आन आगे बैठल रे, समझ में नहीं आता है पप्पा। अरे दिमाग वह लगा लीजिए यहाँ पर, आप लोग के पास उतना समय नहीं है अब, ठीक है? चलिए यहाँ देखिए अब अगला क्वेश्चन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का। ये क्या नंबर देखिए, एक और नंबर। अब ट्राइंगल ए बी सी में एंगल बी और सी के समद्विभाजक त्रिभुज के अंदर बिंदु ओ पर मिलते हैं, बी और सी 122 दिया हुआ है, तो क्या निकालने बोला है? ए का मान। चलिए यहां देखिए सब लोग, अब यहां देखिए, यहां पर ये क्या बना रहे हैं? एगो त्रिभुज, क्या बना रहे हैं? त्रिभुज। तो छेकवा में क्या क्या रहेगा अंजलि? ए है, बी है और सी है। ये एंगल बाइसेक्टर और ये एंगल बाइसेक्टर। डीजे उजे का ऐसे ऑर्केस्ट्रा खर्चा करना नहीं पड़ेगा क्या? ऑर्केस्ट्रा के लिए गाने के लिए अंकित है ना, नाचने के लिए हम सोनाराम हिमांशु दीपक भाई ये है ना, वहां पर नाचने किए थे याद है? कौन कौन थे साथ में? हम लोग सब नाचेंगे ऑर्केस्ट्रा में। संतोष कहाँ गए पता नहीं, गांव में है। फोन करते हैं कभी कभी, ऐसा नहीं फोन नहीं करते, बात करते हैं। क्या ची? होता है थोड़ा, रूम खोजने बोल रहे थे, निर्मलेश पता करना पड़ेगा। आप कहाँ रह रहे हैं अभी? अंकित हो गया बस, अंकित आगे मुड़ी, आप कहाँ रह रहे हैं अभी? कहाँ जगह ना? अरे सन्नी अपन नीचे लगा देना सब यार, इसका नीचे में पूरा 3-4 को रूम खाली है एकदम अच्छा से, बोल रहे लगा दो सब, बहुत लाना चाह रहे हैं, तो पैसों आ जाएगा। एक आदमी कितना 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 लग रहा है आपका? हमारा
बेड वाइज बेड लगा दो ना, छोटा छोटा बेड वाइज ले लो, तीन को बेड लग जाएगा आराम से एक रूम में। एक रूम का 3000 रुपए। 3000 ना कम से कम, हां बनो 3000 के। अबे चालू करो ना, तुमको यहीं से देंगे हम ग्राहक। सच्चे तो बोल रहे, झूठे पढ़ा ले वहां पर रूमा खाली। वो तो अगर मेरा रहता तो नाम से लगा दिए होते सबको भाड़ा पर, वह पढ़ा दिए होते। ना चलिए याद है कि अब ये ट्रायंगल है क्या हुआ दिन, ये क्या दिया हुआ है, ये वाला दिया हुआ है आपका 122 और ये पूछा है, ठीक है ये पूछा है आपका, इसमें 90 माइनस कीजिए 32 आएगा, 32 दुनी 64, ये 64 आ जाएगा। बस यहां क्या किए, ये वाला था ना 122 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस ए बाय टू होगा, ये लिखते थे एंगल बी ओ सी, तो एक्स बी ओ सी मेरा क्या है 122 है, ये 90 इधर गया तो कितना आया 32, ए बाय टू टू गया इधर क्या आया मेरा 64। समझ में आया, के नंबर क्वेश्चन था ये वाला, 51 नंबर था, ठीक। अरे किसके पास एक से लेकर प्यास तक पूरा सीट है, पिछला वाला सीट, पिछला वाला सीट किसके पास, भेजिए बिट्टू हमको जल्दी। जल्दी से वीडियो देख रहे थे घर में, बाकी सब देखे रजनी, जब फोनवा करे तब फोन में एकदम मिठवा खाते खाते झोरवा गिरा देंगे तो यही होगा, मीट नहीं खाते मुरा खाते हो रहा यार, मैंने एगो शाकाहारी आदमी झोर पीते हैं पर पिसवा नहीं खाते हाथ है, लेकिन कोई बात नहीं। आ नंदनी को इधर इधर राम चाहिए इधर लक्ष्मण चाहिए तब वो आएंगे, है ना, दोनों बेटा गोदी उठा लाते हैं रे। पिंटू भेजे, पिंटू हाँ शुरू से, किसी पर है सीट, अरे मजनू भाई देन जल्दी, है भेजिए ना ना, हाँ एक से लेकर प्यास तक ले भेजिए ना, छोड़ दीजिए मेरा गोलू मोलू भेज दिए आप लोग एकदम ना, हो गया छोड़ दीजिए बस, Thank you.
अरे ये वाला जैसे एक से 51 तक जो स्वीट भेजे ना आप लोग को, अब देख ग्रुप में भेजे, उसमें ये वाला क्वेश्चन देखिए तो ये वाला अरे लिख तो रहे हैं। चलिए बंद कीजिए कॉपी सर, तुरंत एक पेज निकालिए तुरंत जल्दी। घड़ी घड़ी लेके आप, घड़ी घड़ी ना घड़ी घड़ी
देखा देखा अरे कल का देखेगा सारा बुरी नहीं देख रहे थे देख रहे अब्दुल कलाम जी क्या हो रहा है यहाँ पर सब यही गला है कि लोग आपके ऐसे बनेगा यही लोग पेपर बेच करके राष्ट्रपति बन गए प्रोफेसर बन गए इन लोग घर में बैठा करके खाना मिल रहा है चलिए पांचों क्वेश्चन पांच जगह दे दीजिएगा टाइम बताते रहिएगा कोई भी पांच क्वेश्चन पांच जगह दे दीजिएगा सब लोग अपना अपना ठेका लगा ले पांच क्वेश्चन बस सब फाड़ देंगे ना छोड़ देंगे ना सिर्फ पॉसिबल नहीं है
गलत लग रहा है ना? नहीं, हम 8 लोग का कॉपी लेंगे। गलत नहीं है बच्चे, अपने छाट देंगे। ऐसा कह लेना सर, कॉटिंग अब ट्राई कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट। ठीक है,
हो गया, मेरे टाइम खत्म हो गया, खत्म हो गया, खत्म हटाई चलिए, हो गया हटाई पहले बोल दिए थे तो। चलिए सब लोग अपना अपना पेज फाड़ दीजिए, बाकी बचे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रहे हैं, आखिरी क्वेश्चन आज। चलिए हो गया सर, देखो वो कहा है, हम दूसरों से क्या सीखवा गिला करें, हमें तो अपनों ने धोखा दिया है ना, गैरों में कहा दम था है ना, मतलब ये सब धोखा दे रहे हमें, देखिए नहीं सापन सब साजिद ये लोग धोखा दे रहे हैं हमारा। चले याद है कि अब हो गया, अब सबको याद आया ना कि मेरा कितना छूटा है, मेरा क्या हुआ है, सबको याद आया ना अब, आई स्वेयर है ना। हाँ हाँ हाँ, हाँ तो बोल में नहीं करते कितना कितना छूटा हुआ है, सब सबको याद आएगा अब, मार के सब जोर में तुल देंगे हम। यहाँ आइए, कृपया करके सब लोग अपना अपना कौन सा बोतल में है, कौन सा वाइन में है और कौन सा वोडका में और कौन सा मिनरल वाटर में, अपना अपना आंख लें है ना, और कौन खास करके दलदल में है वो ज्यादा देखे है ना, जो दलदल में है वो ज्यादा याद रखे अपने आप को। छोड़िए काला पानी से जाओ जाएगा का। देख क्या लिखा हुआ है, त्रिभुज एबीसी की भुजाओं एबीसी को क्रमशः पी और क्यू तक बढ़ाया गया, क्या दिया हुआ है ए बी और सी। यहां देखिए सब लोग, एक त्रिभुज है, क्वेश्चन नंबर 52, त्रिभुज एबीसी की भुजा एबी और एसी को क्रमशः पी और क्यू तक बढ़ाया गया, एबी को कहां तक बढ़ाया गया है, पी तक, और एसी को क्यू तक, ये सही है। फिर क्या बोला गया, यदि सी बी पी, सी बी और पी और बी सी क्यू, सी बी पी और बी सी क्यू के सम द्विभाजक ओ पर मिलते हैं, सर इसका जो सम द्विभाजक है, इसका सम द्विभाजक कहां पर मिलता है, ओ पर मिलता है। नेक्स्ट, यदि ए इज इक्वल टू 44 डिग्री है, यदि ए इज इक्वल टू 44 डिग्री है, पूछा है इसका हाफ बताइए, इसका आधा बताइए, इसका आधा बताइए, यही बोला गया है ना, ये वाला क्या होगा 90 डिग्री माइनस 44/2 है ना, तो 90 डिग्री माइनस 44/2 मतलब 44/2 मतलब 22, 90 डिग्री माइनस 22 कितना 68, ठीक है। ये वाला मेरा क्या होगा सर, 90 डिग्री माइनस एंगल A/2 होगा
ठीक है। ए क्या है मेरा 44, 44 बाय 2 कितना हो जाएगा मेरा 22, 90 डिग्री माइनस 22 68 होगा, ठीक है। तो सर ये 68 आ गया मेरा, बट 68 नहीं पूछा था, बोला था हाफ बताइए, हाफ क्या होगा 68 का 34। समझ में आया बोला? जब मर्जी तब टेस्ट लेंगे, बाकी लोग अपना अपना पेज को कृपया करके फाड़ दे, ठीक है, और प्रणाम करके एकदम अच्छा से उसको विसर्जन कर दे कि मेरा करियर और जिंदगी भी इसी तरह बस विसर्जन हो जाए, है ना। आज है क्या डायलॉग मारे थे वो अभी कुछ देर पहले, बड़ा अच्छा आ रहे थे। जिंदगी नहीं बढ़ रहा है, करियर आगे नहीं बढ़ रहा, खाली पेटे बढ़ रहा है। हाँ क्या मारे थे आज की मारे थे नहीं, करियर आगे नहीं बढ़ रहा है, खाली पेटे बढ़ रहा है। सर आ गए क्या? आज रीजनिंग है ना आप लोग का? आप बताइए आप लोग प्रॉब्लम कहाँ आया था? ये पेज हुआ आप लोग खत्म, नेक्स्ट पेज आप लोगों को भेज दिया जाएगा, ठीक है। पहले करवाने दीजिए, पहले अभी अगला अगला सीट भेज रहे हैं आप लोगों को, ठीक है, डेढ़ घंटा क्लास करवाएंगे। डेढ़ बजे से क्लास, सब प्रेजेंट रहिएगा। फॉर्म भरे से ऐसे बोला, जो नहीं भरे भर दीजिए। बीस तारीख तक ठीक है,
तुम्हारे सवाल का भी नहीं है। खाना पीना लंच में ऐसे की कभी कभी पाव भाजी, कभी कभी सैंडविच, तो कभी कुछ भी बर्गर। चलिए आ देखिए ट्राइंगल पी क्यू आर 53 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन भेजे हैं सबको, परवीन समय आ रहा है ना जो बता रहे हैं सो ठीक। ट्रायंगल पी क्यू आर की भुजा पी क्यू आर क्यू आर को एस और टी तक बढ़ाया जाता है, सेम प्रॉपर्टी है, रिलेट नहीं कीजिए। यहां देखिए एक ट्रायंगल है आपका क्या पी क्यू और आर, सर पी क्यू और पी आर को बढ़ाया जाता है, ठीक है पी क्यू और पी आर को बढ़ाया जाता है। और क्या बोला गया है इसका समद्विभाजक, इसका समद्विभाजक कहां मिलता है U पर मिलता है। बोला गया है एंगल क्यू यू आर, सर ये बोला गया है कितना है मेरा 79 डिग्री, तो एंगल P बताइए, ये निकालने के लिए बोला गया है, ठीक है क्या निकालने बोला गया है ये वाला। सर ये वाला कैसे निकलता था 79 डिग्री 90 डिग्री माइनस एंगल ए बाय टू, ये था ना, ये कैसे निकलता था 90 डिग्री माइनस ए बाय टू, ये जाएगा इधर तो आएगा 11 माइनस 11, ये माइनस से माइनस कट जाएगा और दो जाएगा इधर, क्या हो जाएगा 22 डिग्री आंसर। समझ में आया सबको ये वाला। कल घरों में हल्का स्टेटो बताते बात है, रीजनिंग जोर से फॉर्म में चिल्लाने लग गए थे, मैं बोली की हो गया रे भोरे भोरे डोजवा सुन ली अच्छा से था। और साफ सफाई में को बक्सा था, बड़का को पलंग के अंदर करना था हमको है ना बाहर में, और थोड़ा सोचे कर पाए नहीं यार, अब भोरे तक रख ले रहा दलिए बाप सोचे भी कर पाए नहीं यार बाद में, ठीक है बाद 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 लास्ट में ड्राइवर सुनिए ललिए बोले आप कर दे रहे। लड़का प्रजाति में जन्म लेना बहुत मुश्किल काम है, समझे ये बात तो सही है। खास करके जानते हैं जो इकलौता होता है ना वो खास करके सला नीचे में भाई छोटा भाई होता है ना तो बैठ करके हुक्म दे देते हैं कि भाई तू कर है ना, भाई तू कर, ऐसा मोहल्ला मेरा भोलुआ है जो भी काम होता है डल देता है निस्वक, कुछ काम में देता निस्वक, असला हमको कोई काम मिले तो कुछ नहीं। चौवन नंबर देखिए जल्दी से, अरे सेम प्रॉपर्टी से करवा दे रहे हैं चेंज नहीं है। देखिए